हेलो गाइस सर, वेलकम बैक। एंड भाई आ चुका हूं मैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। और एक सेकंड भाई, ये मेरे पीछे कौन खड़ा है? डरा दिया ना। खैर गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम वापस से रिएक्ट करने वाले हैं एक हॉरर स्टोरी पर। जी हाँ, मतलब लास्ट वाली वीडियो में आप सभी कमेंट आए थे कि भाई किसी हॉरर चीज पर रिएक्ट करो, तो आज की शाम आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो गाइस, आज जो हम हॉरर स्टोरी देखने वाले हैं ना, ऐसा लोगों का कहना है कि आज तक उसको कोई भी पूरा नहीं देख पाया है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन आप और मैं मिलके इस हॉरर स्टोरी को पूरा देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, देखो मेरे को चाहिए थोड़ी सी हिम्मत, जो कि आपके लाइक करने से आएगी और सब्सक्राइब करने से। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। और वैसे भी देखो, मैं पूरे फ्लैट में अकेला हूँ, तो यस मेरी हिम्मत के लिए इतना तो बनता है। मैं रात को अब सो नहीं पाऊंगा ये हॉरर स्टोरी की वजह से। मेरी जिम्मेदारी है, हैं? तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि मैं अपने आप को जोखिम में डाल रहा हूँ। तो कौन सा तीर मारा? और भाई सच बताऊँ, आई लव हॉरर मूवीज भाई। मेरे को हॉरर मूवीज और हॉरर स्टोरीज देखना इतना ज्यादा पसंद है ना कि मैं क्या बताऊं। लेकिन वो अलग बात है कि उनको देखने के बाद फिर मैं रात भर सो नहीं पाता, ठीक है? तो अब बकवास बहुत होगी, सीधा चलते स्टोरी पे। एंड इसका क्रेडिट जाता है डोंट लुक बिहाइंड को, जिनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अब जो हम स्टोरी देखने जा रहे हैं इसका नाम है कॉस्ट्यूम पार्टी, ठीक है? तो फिलहाल के लिए कार्तिक ने धीरज को मैसेज किया है, ठीक है? क्या मैसेज किया है जल्दी दिखाओ। कितने बजे तक निकलोगे तुम लोग? तेरे फ्रेंड की पार्टी है भाई, तू पूछ के बता कि कितने टाइम स्टार्ट होनी है, ठीक है? तो कार्तिक ने लिखा, अरे उसने तो 7 बजे बोला था स्टार्टिंग के लिए, तो अपन को करीब 5 बजे निकलना पड़ेगा, ठीक है? तो धीरज ने लिखा, हम लोग 5 बजे के करीब निकल जाएंगे, ठीक है? तो धीरज और कार्तिक की यह बात हो चुकी है कि वो 5 बजे निकल जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। लोकेशन तो वही है ना जो तूने सेंड की थी। सैंड की स्पेलिंग गलत है यार कार्तिक। धीरज भाई यार क्या कर रहे हो यार, सैंड की जगह सांडे लिख दिया है तुमने। अरे जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ यार, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कार्तिक को, ठीक है? कॉस्ट्यूम पार्टी, वो भी शहर के बाहर। भाई कर दी गलती, भारी मिस्टेक हो गया सर। चाहे जितना शोर करो, जितना हंगामा करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ मतलब ये बात तो है यार, ये बात तो है। मतलब ऐसा होता था ना हमारे साथ बचपन में कि हम किसी रिलेटिव के घर जाते थे, तो वहाँ पे बस हमसे एक ही चीज बोली जाती थी जब हम अपने कजन्स के साथ मिलके हंगामा करते थे कि ओए चुप हो जाओ, सो जाओ सब। लेकिन उस रात पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आती थी। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने पूछा नहीं था। खैर अब यहाँ पे कार्तिक को इस बात की खुशी है कि वो शहर के बाहर पार्टी करेंगे और उनको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा, ठीक है? तो धीरज ने कहा, मैं तो फ्री के खाने के लिए जा रहा हूँ। गांव बसा नहीं और ये भिखारी पहले ही पहुंच गया। धीरज भाई ठीक है, सब एक ही साथ चलते तो ज्यादा सही रहता। हम लोग तेरे दोस्त को पर्सनली नहीं जानते तो अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो कार्तिक के दोस्त की पार्टी है जिसमें कार्तिक ने धीरज और उसके दोस्त को इनवाइट किया है, ठीक है? बट पर्सनली धीरज जो है वो कार्तिक के दोस्त को नहीं जानता। तो ठीक है आगे चलते हैं। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। हाँ लेकिन मुझे रितु को भी तो पिक करना है, और वो सिटी के बिल्कुल अपोजिट साइड रहती है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। ओके डोंट वरी, वो माइंड नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है, तू पहन क्या रहा है वैसे? ठीक है कार्तिक ने धीरे से पूछा, तू क्या पहन रहा है? कॉस्ट्यूम पार्टी है तो कुछ इंटरेस्टिंग ही पहनूंगा। ये पहन रहा है भाई, ये तो घोस्ट बन के जा रहा है। इतना कम एफर्ट वाला कॉस्ट्यूम, तू अपना बता। बैटमैन, ये कार्तिक बैटमैन बन रहा है, ठीक है? गजब भाई, वैसे तू खुद तो अभी तक रेडी नहीं हुआ और हमसे निकलने का टाइम पूछ रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ तो मुझे कितना टाइम लगना है? ठीक है सही बात है, तू तो नेहा के साथ आ रहा है ना, उसे तो 3 घंटे लगते हैं रेडी होने में। सही बात है कार्तिक भाई, देखो लड़के क्या होता है, मुंह धो और सीधा कपड़े पहनो रेडी। और लड़की भाई देखो, लड़कियों को उसने लिखा है 3 घंटे लगते हैं रेडी होने में, मैंने नहीं कहा, कार्तिक ने कहा है। पार्टी बदल लिया साला। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वो क्या बन रही है वैसे? ठीक है उसने 2 घंटे तो ऑलरेडी ले लिए तैयार होने के लिए, ठीक है? भूत की भूतनी। भाई मैं डर गया था अभी 2 सेकंड के लिए। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये नया है भाई, ठीक है आगे। ओ माय गॉड, इसको तो बेस्ट मेकअप का अवार्ड मिलना चाहिए। चल मैं रेडी हो जाता हूँ, तुम लोग टाइम से पहुंच जाना। तो कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। बड़ी मुश्किल से मैंने तेरे लिए एक पास अरेंज किया है, ठीक है? तो धीरज ने लिखा, ठीक है मिलते हैं रात को, ठीक है? कार्तिक ने ऐसे इमोजी भेजा कुछ तो, ठीक है अब चलते हैं सीधा शाम में। शाम की पार्टी थी ना, तो ठीक है इन इवनिंग। कहाँ है भाई कॉल, क्यों नहीं लग रहा तेरा? ठीक है तो धीरज ने लिखा, कैसे लगेगा, इतना आउट ऑफ एरिया में तो पार्टी है, नेटवर्क ही नहीं मिलता यहाँ, अंधेरा और हो गया है ऊपर से। ओके एक सेकेंड, ठीक है
फार्म हाउस है भाई, आउट में ही होगा ना, तुम लोग हो कहाँ? ठीक है, तो धीरज के फोन का नेटवर्क नहीं आ रहे क्योंकि पार्टी जो है वो शहर के बाहर है इसीलिए। ठीक है, इसने कार्तिक ने पूछा तुम लोग हो कहाँ? पता नहीं यार, नेटवर्क वीक है तो जीपीएस भी काम नहीं कर रहा, लोकेशन से बस थोड़ा ही दूर थे तब रुक गया। ठीक है, तुम लोग पहुंच गए? ठीक है, कार्तिक भी नहीं पहुंचा, नहीं बस 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। तुम लोग आगे पीछे देखो थोड़ा, इस एरिया में इस घर में बड़े घर कम ही है। क्या बोला तूने? इस घर में बड़े घर कम ही है। शाबाश, पार्टी फार्म हाउस मिल जाएगा तुम लोगों को, नहीं तो फिर मैं आ जाऊँ तुम लोगों को लेने। ठीक है, कार्तिक ने धीरज से पूछा कि मैं आ जाऊँ अगर खो गए होंगे तो? तो धीरज ने लिखा थोड़ी लाइट दिख रही है यहाँ से, दिख गया फार्म हाउस। ठीक है ओके, तो धीरज को कोई फार्म हाउस दिख गया, ग्रेट, हम लोग भी पहुँचते हैं। ओके नाइस, आगे बढ़ते हैं। कैसी पार्टी है ये, कोई आया ही नहीं अभी तक। ओके, तो धीरज पार्टी में पहुंच चुका है लेकिन कार्तिक नहीं पहुंचा, और धीरज कह रहा है बहुत बुरी पार्टी है भाई, यहाँ पे कोई आया ही नहीं है, डिम लाइट्स लगी हैं, एक दो लोग दिख रहे हैं बस। शिट भाई, क्या स्केरी कॉस्ट्यूम है ये। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। धीरज अभी मैंने अपने दोस्त से बात की है, सब लोग अंदर है, तुम लोग अंदर जाके देखो। ठीक है, कार्तिक ने बोला सारे लोग अंदर है इसलिए कोई बाहर नहीं है। तो धीरज ने बोला ओके। भाई ये कैसे कॉस्ट्यूम है, इतनी स्केरी फोटो क्यों है? ये देखो गेट पे जो लड़की खड़ी है उसने भी सेम मास्क लगाया हुआ है। ओके, लगता है दोनों ने डिस्काउंट से खरीदा है। धीरज भाई मजाक नहीं, तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट, हम लोग अंदर आ गए लेकिन यहाँ भी कोई नहीं है। ओके, बस एक आदमी खड़ा है स्टेयर्स पर। ओके, सीढ़ियों पे कोई आदमी खड़ा है। वेट, व्हाट भाई, इन सब का शायद सेम मास्क है क्या? उसी से पूछो कुछ, हमने उससे बात करने की कोशिश करी लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा, बस हमें घूर रहा है। ठीक है, अब कार्तिक ने कहा मैं फार्म हाउस के बाहर गाड़ी लगा रहा हूँ, यहाँ तो बहुत लोग हैं और बिल्कुल पार्टी का माहौल है। ओ शिट, लगता है तुम लोग गलत जगह पहुंच गए हो। भाई कार्तिक सही वाली पार्टी में पहुंच गया है बट धीरज और नेहा किसी गलत पार्टी में पहुंच गए। ऐसा ही है, नेहा और मैं निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है भाई, निकलो धीरज भाई जल्दी, स्केरी जगह है वो, ये जगह सही नहीं लग रही। ठीक है भाई, निकलो जल्दी वहाँ से। कार्तिक, अब घर के बाहर कई सारे लोग आ गए हैं, सबने एक जैसा मास्क पहन रखा है, अजीब तरीके से खड़े हो गए हैं और कोई गाना गा रहे हैं एक साथ। अभी ये कैसे खड़े हैं? ये देखो गाइस कैसे खड़े हैं ये तो ऐसा लग रहा है एक ही बंदी के इतने सारे हेड हैं। धीरज तुम लोग भागो वहाँ से, मैं भी यहाँ से कुछ लोगों को लेकर निकल रहा हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए, ये लोग नॉर्मल नहीं लग रहे। ठीक है भाई, ये कैसी बात है, उन्होंने नेहा को पकड़ लिया, उसकी गर्दन काट दी। What? That's insane. Oh my, तुम ठीक, ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, तुम ठीक हो? ये क्या बात करता है यार? भाई उस बंदे ने बोला नेहा की गर्दन काट दी और ये लिख रहा है तुम ठीक हो? What? वो मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं एक पेड़ के नीचे छुपा हूँ। ओके, अब क्या होगा, छुपे रहे, हमने पुलिस को भी कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। धीरज भाई, धीरज की भी ऐसी आवाज आई कुछ, धीरज आ रही देर, रिप्लाई करो, हम लोग आ रहे हैं हेल्प लेकर, धीरज प्लीज रिप्लाई। भाई धीरज भाई लगता है धीरज और नेहा गए, भाई धीरज और नेहा गए। जब लोग पुलिस की हेल्प से उस घर तक पहुंचे तो उन्हें नेहा और धीरज की बॉडीज मिली, पर वो थे कौन भाई, एक जैसे मास्क वाले बंदे, उनके सर गायब थे और सर की जगह एनिमल मास्क रखे हुए थे। जिन्होंने ये किया वो कभी पकड़े नहीं गए, वो कौन थे ये किसी को नहीं पता। शिट, थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई साहब। गाइस जस्ट इमेजिन, आप भी ऐसी किसी पार्टी में जा रहे हो बट आप किसी, जिस पार्टी में आपको जाना हो उसमें ना पहुंच के आप किसी ऐसी पार्टी में पहुंच जाओ, और अगर आपके साथ कुछ भी सस्पिशियस हो भाई, कभी भी पहली बात किसी अनजान जगह में नहीं जाना आपको, ठीक है, और अगर जाओ तो कुछ भी सस्पिशियस निकले तो भाई निकल लो वहां से। भाई यार अब मैं रात में सोऊंगा कैसे, मुझे नहीं पता। गाइस वेट करना मेरी नेक्स्ट वीडियो आने का, ठीक है, एंड फिलहाल के लिए भाई मैं चलता हूँ, रात के भाई 1 बज रहे हैं और मेरे को सोना है, पता नहीं कैसे सोऊंगा भाई, वो आज मेरे सपने में आने वाले बहुत सारे मास्क पहन के बंदे। तो चलो गाइस मैं चलता हूँ, एंड मेरे स्क्रिप्ट के लिए 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब करके जाना, धीरज और नेहा के लिए बुरा लग रहा है। खैर गाइस, एंड चलो गाइस मैं चलता हूँ, मिलूंगा एक और न्यू रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय।